इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है, हमने सुना था ये मुहावरा कि अंधेर नगरी चौपट राज, ये उसकी एक जिंदा और जावेद मिसाल है कि जिस तरह से मुल्क को चलाया जा रहा है, जिस तरह के एक सियासी जमात को जिस तरह से निशाने पे रखा हुआ है, जिस तरह उसके लीडर इमरान खान को और उनकी बेगम को जेल में झूठे मुकदमात में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, 1 साल होने को है। आया आप अपने मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात, उसके सबसे मकबूल तरीन लीडर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो शख्स जिसने कि हमेशा इस मुल्क के लिए इज्जत समेटी, आपने उसको जिस हाल में रखा हुआ है, जिस तरह के मुकदमात अदालतों से फारिग होते गए हैं, आप नए केसेस उन पर बना रहे हैं। ये एक इंतहाई शर्मनाक बात है और मुझे इंतहाई अफसोस है कि वो सियासी जमातें जिन्होंने कि जमहूरियत का और सियासत का लिबादा उड़ रखा है, जिसमें सरफहरिस्त हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों वो जमातें हैं जिन्होंने कि अपने ज़ाती मफादात, इनकी लीडरशिप के मफादात को ऊपर रखा और आवाम और मुल्क की बहबूद और खुशहाली की जगह उन्होंने अपने आप को संवारा। जो कवानीन बनाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, इलेक्शन कमीशन जो कि एक आलाकार बना हुआ है, जिस तरह से कि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली की गई है कल, जिसने कि सेनेट में भी आना है। हम ये समझते हैं कि देखें, ये इस मुल्क को एक मजाक ना बनाए। इस मुल्क की जमहूरियत या इस मुल्क के इदारों को आपने एक ऐसे नहज पे खड़ा कर दिया है जिसमें कि उनकी वो मफलूज हो चुके हैं। और ये दो सियासी जमातें बिलखुसूस जिन्होंने के जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि ये करप्ट लोग हैं और अपने आप को बचाने के लिए ये हर किस्म का कंप्रोमाइज़ तैयार करने को तैयार हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ज़ाती मफादात के लिए इस मुल्क के अवाम और इस मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाया है। इन लोगों की हम भरपूर मुखालिफत करेंगे। हम इस अपने सियासी जदोजहद जो कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ऐसी सियासी जमात ने उसका सामना नहीं किया, वो हम कर रहे हैं। हमारे MNAs हाजी साहब और इस तरह कई और MNAs हैं जिनको के इस वक्त उनको पीछे लोग लगे हुए हैं कि उनको किस तरह उनकी सियासी वफादारियां को हम तब्दील करें। 41 हैं। जब आप इस किस्म की मैनिपुलेशन करेंगे तो फिर जमहूरियत को तो बंद कर दें, पार्लियामेंट को भी बंद कर दें, फिर आप सीधा साधा आप मार्शल लॉ लगा दें। देखें, कभी भी ये नहीं हो सकता जिस तरह के वो होता था ना, अकबर ने अपने ज़माने में दीन इलाही बनाया था कि न वो इधर था न उधर था। जब तक ये मुल्क ये फैसला नहीं होगा कि यहाँ पे जमहूरियत है या यहाँ पे फस्तायत है, इस मुल्क में न तो कोई इन्वेस्ट करेगा, ना ये मुल्क खुशहाली देखेगा, न ये मुल्क अमन देखेगा। जो भी हो रहा है हमारे मुख्तलिफ सूबों में वो आप सबके सामने है। जिस तरह का एक अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो गई है, लोग खड़े हो गए हैं, ये मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं है। हमारी महंगाई से पिसी हुई आवाम जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी मजबूर हो गई है, 40 से 50 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर से पिछले 2 सालों में गए हैं। अच्छे लोग छोड़ के जा रहे हैं इस मुल्क को। जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है, जिस तरह हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन सारी चीज़ों से अमन अमान बहाल नहीं होगा बल्कि खराब होगा। इसलिए जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, जो कि हम सबको पता है, वो इस मुल्क पे रहम खाएं। इस मुल्क ने इज्जत भी दी है, इस मुल्क ने एक आपको वो भी दी है, क्या कहते हैं, एग्जैक्टली सब कुछ आपको दिया है। इस मुल्क की को फलने फूलने से ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया है और ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम के लिए बना था जहाँ पे कि वो आज़ादी से रह सकें, लेकिन बदकिस्मती से हम आज तक आज़ाद नहीं हुए। जब इमरान खान हकीकी आज़ादी की बात करते हैं तो अब आपको समझ आई है कि नहीं आई?